दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब हर जगह पर जंग छिड़ी हुई थी। इसी दौरान हम एक स्कूल में रहने वाली सात लड़कियों को देखते हैं जो कि वहाँ पर बिल्कुल अकेली रहती थी। लेकिन इन लड़कियों की जिंदगी तब बदल जाती है जब उनमें से एक लड़की वहाँ पर एक आदमी को ले आती है। तो कहानी शुरू होती है और हमें 1861 का टाइम दिखाया जाता है। हम वर्जीनिया शहर को देखते हैं जहाँ पर इस समय सिविल वॉर चल रहा था। वहीं पर हम एक गर्ल्स स्कूल को देखते हैं जिसे मिस चमनचुस्की नाम की एक टीचर चलाती थी। हम देखते हैं कि 1864 तक सिविल वॉर चलने के कारण स्कूल के सभी स्टूडेंट्स और टीचर स्कूल से अपने घर जा चुके थे, लेकिन वहीं मिस चमनचुस्की और एक और टीचर मिस झपट्टा पांच लड़कियों के साथ अभी भी उस स्कूल में ही रह रही थी। इसके बाद हम गंजेड़ी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि जंगल में सभी के डिनर के लिए मशरूम तोड़ने आई थी। लेकिन जब वो मशरूम तोड़ रही होती है तभी अचानक उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि घायल होकर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अब उसको देखकर गंजेड़ी की फटकर 464 हो जाती है क्योंकि वो दुश्मन सेना से था। तभी वो आदमी बताता है कि मेरा नाम दगड़ू दलाल है और दुश्मन सेना ने मेरी दबाकर मारी है जिस वजह से मैं उनसे बचकर यहाँ पर छुपा हुआ हूँ। अब गंजेड़ी को दगड़ू दलाल की हालत देखकर उस पर तरस आ जाता है जिस वजह से वो उसे अपने साथ ले जाती है। लेकिन फिर स्कूल के पास आते ही दगड़ू दलाल बेहोश हो जाता है। अब उसे देखते ही स्कूल की सभी लड़कियां और टीचर वहां पर आ जाती हैं और उसे घेर कर खड़ी हो जाती हैं। अब उस आदमी को देखकर मिस चमनचुस्की गंजेड़ी को कहती है कि मैंने तो तुमको मशरूम लाने को भेजा था, तुम ये क्या उठा लाई। जिस पर गंजेड़ी कहती है कि ये वहां पर घायल पड़ा था इसलिए मैं इसकी मदद करने के लिए इसे अपने साथ ले आई। अब उस आदमी को देखकर सभी लड़कियां सोचने लगती हैं कि क्या इस आदमी की मदद करना ठीक होगा भी या नहीं, क्योंकि इस स्कूल में सभी लड़कियां रहती हैं और अगर एक बार भी इस आदमी का काला नाक जाग गया तो ये कुत्ते की तरह हमारे बिलों में जाने के लिए तड़पने लग जाएगा। लेकिन अब वो इस आदमी को मरने के लिए ऐसे छोड़ भी नहीं सकती थी, इसलिए वो सभी उसे उठाकर अंदर ले आती हैं। वो उसे ऊपर एक रूम में ले जाती हैं जहाँ पर मिस चमनचुस्की दगड़ू दलाल के घावों पर टाके लगाकर उस पर पट्टी कर देती हैं। इसके बाद वो उसे रूम में लॉक करके बाहर आती है और सभी स्टूडेंट से कहती है कि जब तक ये आदमी ठीक नहीं हो जाता हम इसकी सेवा करेंगे और फिर इसके ठीक होने के बाद हम इसे अपनी सेना के हवाले कर देंगे, लेकिन तब तक तुम छिनालों में से कोई भी इस आदमी के पास नहीं जाएगा। अब उसकी बात सुनकर सभी लड़कियां वहां से चली जाती हैं, लेकिन उनके जाते ही मिस चमनचुस्की चुपके से दगड़ू दलाल के कमरे में जाती हैं और उसकी पैंट उतारकर उसके घावों को साफ करने लगती है। अब दगड़ू दलाल का काला घोड़ा देखकर मिस चमनचुस्की गर्म होने लगती है, लेकिन फिर जैसे तैसे करके वो अपने आप को संभालती है। यहाँ पर चमनचुस्की को उसके घोड़े की सवारी करने का मन तो था, लेकिन फिर वो सोचती है कि छोड़ो यार, किसी की बेहोशी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। तभी वहां से जाते वक्त मिस चमनचुस्की की नजर बाहर पड़ती है जहाँ पर एक सेना की टुकड़ी शहर पर गश्त लगाने आई हुई थी। तभी मिस चमनचुस्की उन सिपाहियों से मिलने गेट पर जाती है। अब उसे देखकर अंदर सभी लड़कियां घबरा रही होती हैं कि कहीं ये भोसड़ी वाली दगड़ू दलाल के बारे में इन्हें बता ना दे, पर मिस चमनचुस्की उसके बारे में उनको नहीं बताती और वापस स्कूल के अंदर आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्योंकि दगड़ू दलाल दिखने में हट्टा कट्टा मुस्टंडा था और उसका काला घोड़ा भी काफी बड़ा था, इसलिए उसके घोड़े को देखने के लिए रोज एक एक करके सभी लड़कियां चुपके से उसके रूम में आया करती थी। वो उससे वहां पर बैठकर बातें किया करती थी जिससे उनको भी काफी अच्छा महसूस होता था। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस चमनचुस्की सभी लड़कियों के साथ बैठकर प्रेयर कर रही होती है। तभी प्रेयर के बाद वो जानबूझकर सभी से पूछती है कि क्या किसी को भी कोई और दुआ मांगनी है, जिस पर मिस झपट्टा कहती है कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि दगड़ू दलाल जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अभी सुनकर मिस चमनचुस्की समझ जाती है कि अब मिस झपट्टा भी दगड़ू दलाल का घोड़ा लेने के लिए तड़प रही है। हम देखते हैं कि जहाँ पर दगड़ू दलाल का घोड़ा लेने के लिए स्कूल की सभी लड़कियां आपस में लड़ रही थी, वहीं ये दोनों टीचर्स भी उसका घोड़ा लेने के लिए बेताब थी। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल की सभी लड़कियां दगड़ू दलाल को इम्प्रेस करने के लिए अलग अलग चीजें करती हैं, जैसे कि कोई उसके सामने सज धज कर आती है तो कोई उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान लेकर आती है ताकि उनमें से किसी से तो दगड़ू दलाल इम्प्रेस हो जाए और उन्हें वही पकड़कर घोड़ी बना दे। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन मिस चमनचुस्की दगड़ू दलाल के रूम में आती है, जिसको देखकर दगड़ू दलाल समझ गया था कि मिस चमनचुस्की यहाँ की बॉस है और यहाँ पर उसी की चलती है और अगर मैं इसे पटा लेता हूँ तो मेरी चांदी हो जाएगी। अब दगड़ू दलाल मिस चमनचुस्की को इम्प्रेस करने की कोशिश में लग जाता है। उधर चमनचुस्की उससे बजवाने के लिए तैयार होने ही वाली थी कि तभी वो अपने आप को संभाल लेती है। इसी दौरान वहाँ पर फड़फड़ाती बिल्ली नाम की एक लड़की आती है और मिस चमनचुस्की से कहती है कि क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ, जिस पर मिस चमनचुस्की उसे कहती है कि बौछड़ी की चली जा यहाँ से, मुझे पता है कि तू यहाँ पर क्या करने आई है। फिर इसके कुछ देर बाद मिस झपट्टा भी दगड़ू दलाल के रूम में आती है जहाँ पर वो हरामी उस पर भी ट्राई मारने लग जाता है। वो उससे गंदी गंदी अश्लील बातें करने लगता है और उसका ये प्लान कामयाब भी हो जाता है, क्योंकि अब मिस झपट्टा की बिल्ली गीली हो चुकी थी और वो दगड़ू दलाल के साथ दबा दबा कर मजदूरी करना चाहती थी। फिर इसके बाद क्या था, मिस झपट्टा दगड़ू दलाल के बिस्तर पर आती है जहाँ पर वो दोनों दबा दबा कर मजदूरी करते हैं। इसके बाद हम मिस चमनचुस्की को देखते हैं जो कि सभी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर प्रेयर कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ से फड़फड़ाती बिल्ली उठती है और मूतने का बहाना लगाकर बाहर चली जाती है। फिर वो वहाँ से सीधा दगड़ू दलाल के रूम में जाती है और उसे पकड़कर चूसने लगती है। अब यहाँ पर दगड़ू दलाल को भी मजा आ रहा था इसलिए वो भी इस मूवमेंट को एंजॉय करने लगता है, लेकिन फिर चूसते चूसते फड़फड़ाती बिल्ली को याद आता है कि मिस चमनचुस्की उसका इंतजार कर रही होगी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है।
इसके बाद रात को हम देखते हैं कि जब लड़कियां साथ में डिनर कर रही थी तभी वो सभी मिलकर फैसला करती हैं कि अब वो दगड़ू दलाल को खुश करने के लिए कुछ नया करेंगी। अब वो सभी दगड़ू दलाल को म्यूजिक सुनाकर खुश करने की कोशिश करती हैं, लेकिन दगड़ू दलाल को म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसे तो उनके कुएं की खुदाई करनी थी। अब ये सब चल ही रहा था कि तभी कोई स्कूल का दरवाजा खटखटाता है। फिर मिस चमन उसकी दरवाजा खोलती है और देखती है कि ये तो वही गश्त लगाने वाले सैनिक होते हैं। वो यहाँ पर बस चेक करने आए थे कि सब कुछ ठीक है या नहीं, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम मिस चमन चुस्की को देखते हैं जो कि दगड़ू दलाल के साथ बैठकर वाइन पी रही होती है और ये दोनों किसी चीज के बारे में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन इसी दौरान दगड़ू दलाल सोचने लगता है कि मिस चमन चुस्की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और अगर उसे यहाँ पर आराम से रहना है तो उसे मिस चमन चुस्की को पटाना ही होगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि दगड़ू दलाल वहाँ पर स्कूल की गार्डनिंग का काम करने लगता है क्योंकि वो वहाँ से नहीं जाना चाहता था। अब भला वो यहाँ से क्यों ही जाएगा, क्योंकि जिस इंसान के पास गहरे कुओं की लाइन लगी हुई हो वो इन सबको छोड़कर जंग में मरने क्यों जाएगा। उधर हम चमन चुस्की को देखते हैं जिसकी नजर दगड़ू दलाल के जख्मों पर पड़ती है जो कि अब ठीक हो चुके थे। अब क्योंकि वो बिल्कुल ठीक हो चुका था तो वो यहाँ पर नहीं रह सकता था। लेकिन तभी दगड़ू दलाल मिस चमन चुस्की से कहता है कि वो यहाँ से नहीं जाना चाहता और वो यहाँ पर रहकर गार्डनर का काम करना चाहता है, लेकिन मिस चमन चुस्की उसे फिर से मना कर देती है और कहती है कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। अब ये सुनकर दगड़ू दलाल सोचता है कि उसे यहाँ पर रहने का कोई और जुगाड़ बिठाना होगा, जिसके बाद वो सीधा मिस झपट्टा के पास जाता है और उसे प्रपोज कर देता है। कहता है कि डार्लिंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब ये सुनकर मिस झपट्टा बहुत खुश होती है और वो दोनों वहीं पर ही एक दूसरे को चूसने लग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों मजदूरी का कार्यक्रम करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और इन दोनों का ये कार्यक्रम अधूरा ही रह जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस चमन चुस्की दगड़ू दलाल को डिनर के लिए इनवाइट करती है क्योंकि आज यहाँ पर उसकी आखिरी रात है और उसे कल यहाँ से निकाल दिया जाएगा, इसलिए आज रात वो सभी मिलकर जश्न मनाते हैं। फिर डिनर के बाद दगड़ू दलाल मिस झपट्टा के कान में कहता है कि मैं आज रात तुम्हारे रूम में आऊंगा और फिर हम दोनों साथ में पलंग तोड़ मजदूरी करेंगे। फिर उसी रात हम देखते हैं कि मिस झपट्टा अपने रूम में दगड़ू दलाल का इंतजार कर रही होती है, लेकिन इतना ही नहीं दूसरी तरफ मिस चमन चुस्की भी अपने रूम में दगड़ू दलाल का इंतजार कर रही होती है क्योंकि उसको भी लग रहा था कि आज रात को दगड़ू दलाल उसकी लेकर ही जाएगा। लेकिन फिर काफी देर बीतने के बाद भी दगड़ू दलाल नहीं आता। तभी मिस चमन चुस्की को नीचे जोरों की आवाज सुनाई देती है तो वो अपने रूम से बाहर आकर देखती है कि ये आवाज तो दगड़ू दलाल के रूम से आ रही है। फिर मिस चमन चुस्की जैसे ही उसके रूम का दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि दगड़ू दलाल ने फड़फड़ाती बिल्ली को घोड़ी बना रखा है और वो उसकी दबा दबा कर ले रहा है। अभी देखकर मिस चमन चुस्की को बहुत गुस्सा आता है और वो दगड़ू दलाल को वहां से जाने को कहती है। दगड़ू दलाल कहता है कि मैं तो सिर्फ इसका बुखार चेक कर रहा था। चमन चुस्की कहती है कि हाँ बुढ़ी के गांड से बुखार कौन चेक करता है, जिसके बाद वो उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देती है। अब दगड़ू दलाल ऊपर से इतना तेज नीचे आकर गिरता है कि उसकी टांग पूरी तरह टूट जाती है। अब ये देखकर मिस झपट्टा और मिस चमन चुस्की उसको जल्दी से उठाकर वापस रूम में ले जाती हैं। अब यहाँ पर चमन चुस्की कहती है कि मैं कोई सर्जन नहीं हूँ जो उसकी टूटी टांग को जोड़ दूँ, इसलिए अगर हमें इसकी जान बचानी है तो हमें इसकी टांग काटनी पड़ेगी। अब उनको ये फैसला जल्दी से जल्दी लेना था क्योंकि दगड़ू दलाल का खून तेजी से बह रहा था। फिर हम देखते हैं कि और कोई रास्ता ना होने की वजह से उनको दगड़ू दलाल की टांग काटनी ही पड़ती है। फिर अगली सुबह जब दगड़ू दलाल की आंख खुलती है तो अपनी कटी टांग को देखकर उसकी फटकर 464 हो जाती है। अब वो चमन चुस्की को देखकर उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसे कहता है कि बछड़ी की तूने ये सब जानबूझकर किया क्योंकि रात को मैं तुझे बजाने जो नहीं आया। अब क्योंकि दगड़ू दलाल गुस्से में पागल हो चुका था इसलिए चमन चुस्की उसको रूम में बंद करके नीचे आ जाती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि तड़पती बिल्ली चुपके से दगड़ू दलाल के रूम में आती है और उससे पूछती है कि मेरे बाबू ने थाना थाया। अभी सुनकर दगड़ू दलाल गुस्से में बावली गांड हो जाता है और उसके बाल पकड़ कर कहता है कि बोचड़ी की मैं तुझे जान से मार दूंगा क्योंकि तेरी वजह से ही हुआ है ये सब। अब ये देखकर तड़पती बिल्ली बहुत डर जाती है और नीचे आकर मिस चमन चुस्की से कहती है कि अब हम लोग यहाँ पर सेफ नहीं है, इसलिए अब हमें दगड़ू दलाल को आर्मी के हवाले करना ही होगा। लेकिन तभी वहाँ पर दगड़ू दलाल आ जाता है और उनको कहता है कि बोचड़ी वालों अगर तुम लोगों ने मुझे फिर से रूम में बंद करने की कोशिश करी तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अब ये सुनते ही मिस चमन चुस्की तड़पती बिल्ली से कहती है कि तुम जल्दी से जाकर गेट पर नीला कपड़ा बांध दो ताकि आर्मी वालों को पता चल जाए कि हम लोग मुसीबत में हैं। अब तड़पती बिल्ली जल्दी से जाकर गेट पर नीला कपड़ा बांध रही होती है कि तभी दगड़ू दलाल उसे देख लेता है, जिसके बाद वो सभी लड़कियों को गन पॉइंट पर ले लेता है। वो कहता है कि अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा, जिसके बाद वो गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। अब यहाँ मिस झपट्टा को लगता है कि शायद दगड़ू दलाल को मजदूरी की जरूरत है इसलिए वो ऐसा कर रहा है, तो वो उसे चरम सुख देने के लिए उसके रूम में जाती है और उसके रूम को अंदर से लॉक कर देती है। उधर मिस चमन चुस्की उसे मना करती है और कहती है कि साली छिनाल ऐसा कुछ मत कर, लेकिन मिस झपट्टा की ठरक अब चरम सीमा पर पहुंची हुई थी इसलिए वो दगड़ू दलाल के पास जाकर उससे लिपट जाती है। उधर दगड़ू दलाल को भी मजा आने लगा था इसलिए वो भी उसके साथ दबा दबा कर मजदूरी करता है। अब ये सब देखकर मिस चमन चुस्की गुस्से में पागल हो चुकी थी और वो सोचने लगती है कि इस दगड़ू दलाल का खेल अब खत्म करना होगा, लेकिन इसी दौरान एक स्टूडेंट उसे कहती है कि हम दगड़ू दलाल के खाने में जहर मिला देते हैं। अब ये आइडिया मिस चमन चुस्की को भी सही लगता है। इसके बाद गंजेड़ी जंगल में जाती है और वहां से जहरीले मशरूमों को तोड़ लाती है। फिर उसी रात मिस चमन चुस्की दगड़ू दलाल को डिनर के लिए इन्वाइट करती है, लेकिन यहाँ पर दगड़ू दलाल को शक था कि कुछ तो गड़बड़ है इसलिए वो झपट्टा को भी वो मशरूम खाने को कहता है। लेकिन तभी एक लड़की कहती है कि नहीं, मिस झपट्टा को मशरूम से एलर्जी है। अब दगड़ू दलाल को उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है
जाता है और वो अकेला ही उन मशरूम्स को खा जाता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जहरीला मशरूम खाने की वजह से वो तुरंत नीचे गिर जाता है और दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ये लोग स्कूल के गेट पर नीला कपड़ा बांध देते हैं और दगड़ू दलाल की बॉडी को कफन से लपेट कर दरवाजे पर रख देते हैं ताकि आर्मी वाले आकर उसकी बॉडी को उठा ले जाएं। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस झपट्टा बहुत ही दुखी हो रही होती है क्योंकि वो दगड़ू दलाल के साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी, और वहीं बाकी सभी लड़कियों की प्यास अभी भी अधूरी ही रह जाती है। और इसी अधूरी प्यास के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी कॉमेंट में जरूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही रोमांटिक बॉलीवुड मूवी हिंदी डब में देखनी है तो हमारी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।